क्या होगा अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट कम से कम 30 बादाम खाना शुरू कर दो। ये जो इन्फॉर्मेशन बादाम के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ, ये आपके बिल्कुल काम आने वाली है, क्योंकि जिस बादाम के बारे में आप सोच रहे हो, मैं उस बादाम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कौन से खाने हैं, कैसे करके खाने हैं, इसी वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। हमारे माइंड का 10% हिस्सा फैट से बना होता है, और जिस फैट से बना होता है वो फैट सबसे ज्यादा बादाम में पाया जाता है। इसीलिए सब कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। एक्चुअली बादाम खाने से हमारा दिमाग हेल्दी रहता है और रिलैक्स रहता है। जहां दिमाग रिलैक्स हुआ तो आपकी ग्रोथ तेजी से स्टार्ट होनी शुरू। सुबह खाली पेट बादाम खाने से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट पर चला जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट पर गया तो आपके चेहरे में तेज आना, बॉडी में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, आपके बाल शाइन होना शुरू हो जाएंगे, आपकी मसल्स ग्रोथ फास्ट होगी, मतलब बहुत सारे बदलाव आएंगे आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी बिल्कुल अलग लेवल पर चली जाएगी। जब हम लोग उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं जैसे कि फास्ट फूड और भी बहुत कुछ तला हुआ, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में बैड फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो हमारा स्टेमिना बन पाता है और ना ही बॉडी की ग्रोथ हो पाती है, और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं हमको। बादाम में जो पाया जाने वाला फैट होता है वो बैड फैट को ख़त्म कर देता है। बादाम आपके फैट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जो बैड फैट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, आप कितने खाते हो। जी हाँ, आप कितने खाते हो। अब जैसे कि पहलवान होते हैं वो बादाम खाते नहीं बल्कि पीते हैं, बादाम रगड़ा बनाकर, कम से कम 100 बादाम का रगड़ा बनाकर पीते हैं पहलवान। और आप खुद सोचो कि उनमें कितनी ताकत होती है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 100 बादाम खाना शुरू कर दो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बादाम खाओ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर खाओगे 100 बादाम तो उल्टा आपको गर्मी कर देंगे। अब आप वर्कआउट के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाओगे। अब आता है कौन से बादाम की बात कर रहा था मैं बात कर रहा हूँ गुड़बंदी बादाम। आप सर्च कर सकते हो, ये बादाम की पहचान ये होती है कि इनका साइज बहुत छोटा होता है। मेरे कहने से आप ये खाओ, क्योंकि ये बादाम आपको दूसरे बादाम के मुकाबले ज़्यादा फायदा देंगे। खाने का तरीका क्या है, अगर आप चना खाते हो सुबह उठकर तो उनके साथ आप 30 बादाम खाओ, 20-30 जितने आपकी कैपेसिटी है। अगर नहीं खाते तो नाश्ते में मिल्क के साथ लो इनको, और आपको बिल्कुल चबा चबा कर खाने हैं। एक नियम बना लो, 32 बार चबाना है। ये आपकी बॉडी में एक अलग तरीके से एनर्जी लेकर आएंगे, ठीक है, एक अलग सी एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी जिससे आपकी बॉडी पर निखार आ जाएगा। एक बात ध्यान रखें, बादाम आपको भिगोकर ही खाने, कच्चे मत खाना। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक एडवाइस दे देता हूँ, अगर आप एडवांस लेवल का वर्कआउट करते हो, बहुत समय हो गया वर्कआउट करते हुए, तो आप 30-40 बादाम का रगड़ा बनाकर पिए, 30-40 बादाम का रगड़ा बनाकर पिए वर्कआउट ख़त्म होने के बाद। ये आपकी डाइट का 20% होगा, जी हाँ। लेकिन अगर आप नए हो, ज़्यादा समय नहीं हुआ वर्कआउट करते समय, तो आप 10-15 बादाम खा सकते हो अपनी, जैसे कि मैंने बताया, अपनी क्षमता के हिसाब से। नए हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।